गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज्ञानेश बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आप जैसा जानते हैं, शाम के समय हम सब लोग टीजीटी और पीजीटी की क्लास लेते हैं। इस टीजीटी और पीजीटी की क्लास में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप सब तक हमारी बात बहुत अच्छे से पहुँचे। और जहाँ तक बायोलॉजी सब्जेक्ट का सवाल है, तो आप सब ने इस टीजीटी पीजीटी की क्लास से बहुत लाभ प्राप्त किए हैं और बहुत लाभ आपको प्राप्त करने हैं। बच्चों, शाम के समय हम सब की क्लासेस जो होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। और मैं दो सिस्टम पे काम कर रहा हूँ आपके लिए इस नए बैच में। नंबर एक, ट्रिपल पॉइंट। आप जानते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब सीधा है हमारे लिए बच्चों, कि हम आपको तीन पॉइंट पर काम करने से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक, मैं आपको PYQ किसी भी चैप्टर के PYQ यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा करता हूँ, उसको बताता हूँ। PYQ के बाद बेटा हम आपको थ्योरी बताते हैं, और फिर थ्योरीज के बाद हम सब आपको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। थ्योरी के बाद बच्चों हम सब आपको MCQ कराते हैं किसी एक चैप्टर के। तो एक चैप्टर पर हम तीन पार्ट पर काम करते हैं। ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन ट्रिपल पॉइंट का थोड़ा सा काम मेरे पीछे रह गया था या छूट गया था, क्यों बेटा? वहाँ एक दिन PYQ, दूसरे दिन थ्योरी और तीसरे दिन MCQ होता था, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता था किसी एक चैप्टर को तीन दिन, जबकि इतना बड़ा मैटर नहीं होता। तो मैंने उसे थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाला हुआ, नया सिस्टम मैंने शुरू किया जो आपके सामने अभी है, जिसमें मैं आपको MP कौशिक के पूरे पॉइंट बता रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ MP कौशिक के पॉइंट से आपके बेटा आउट ऑफ 125 में 110 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। 110 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो 100 तो मिल ही जाएंगे। इसलिए ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है? तो आइए इस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं और आपको जहाँ तक मैंने पहुँचाया उससे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले टर्म पर मैंने कितना पढ़ाया था। तो आइए सबसे पहले थ्योरी के शॉर्ट पॉइंट्स है बेटा, बॉटनी ज्ञानेश बायोलॉजी क्लासेस की बायो पाठशाला में। और ये आपको कंटेंट दिख रहा है MP कौशिक का बेटा। पहले चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको बच्चों, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना, याद आ रहा है ना? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा, पांचवा, छठा हो चुका है। आज का टारगेट मेरा क्या होगा निधि, बोलो। स्क्रीन दिख रही है, शेयर करो। आज का टारगेट मेरा है कि माइकोप्लाज्मा समझा दें आपको, वायरसेस बता दें, लाइकेन, क्योंकि यहाँ पर नोट्स फ्रेम नहीं थे इसलिए छूट जाएगा, और फंजाई। अगर फंजाई तक हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट माइकोप्लाज्मा, वायरस और फंजाई मैं चाहूँगा कि आज पूरा हो जाए। तो चलिए स्क्रीन को आगे रोल करता हूँ और आप तक अगला चैप्टर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये माइकोप्लाज्मा, मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। माइकोप्लाज्मा में स्क्रीन पर कुछ मैटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहते हैं, लगे दोनों चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है बच्चों। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इसे मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये बेटा माइक स्मॉलेस्ट होते हैं, 0.1 से 0.25 माइक्रो डायमीटर है। लुई पाश्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको बेटा, और फ्रॉम प्लूरल फ्लूड ऑफ बोवाइन शीप सफरिंग फ्रॉम प्लूरो निमोनिया एंड गेव PPLO, प्लूरो निमोनिया। छोटा सा क्वेश्चन था, साल हो गया।
नोकार्ड एंड रॉक्स ने बेटा प्योर कल्चर ऑप्टेन किया था इसका, माइकोप्लाज्मा नाम देने वाले वैज्ञानिक नोवेक्स थे, पीपिलों बेटा सेलवाल नहीं है, मेजोसोम नहीं है, फ्लैजला भी नहीं होगा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। जब लिखा जाए कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो कहेंगे फैकल्टेटिव बेटा, फैकल्टेटिव एन एरोब्स कहलाएंगे बेटा, ऐसी कंडीशन को कहेंगे। ग्राम नेगेटिव हैं, सेल वाल ना होने से कोई स्टेनिंग होती नहीं तो ग्राम नेगेटिव हैं। कल्चर मीडियम में फ्राइड एग की अपीयरेंस होती है इनकी। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये किल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों पेंसिलिन और लाइसोजाइम का इन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पेंसिलिन बच्चों सेलवाल की सिंथेसिस को प्रमोट करती है, सॉरी इनहिबिट करती है, और इसमें सेलवाल होती नहीं। एलिमेंट्री बॉडीज से मल्टीप्लीकेशन है, वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच से इंटरमीडिएट कंसीडर किया जाता है। डिजीज बेटा लीरो निमोनिया है, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस से बेटा इनफर्टिलिटी भी हो सकती मेल में ध्यान रखिएगा, इसको छोटा सा पॉइंट है बट कैन बी आस्किंग एग्जाम। रूमेटिज्म आर्थराइटिस यूरेथराइटिस के सिम्टम्स भी इससे हो सकते हैं। जब बुक्स में दिया है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका कोई चांस नहीं। यही बेटा माइकोप्लाज्मा है, दिस इज कंप्लीटेड। नाउ अगला चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर नंबर आठ। बहुत सिस्टमेटिक है बेटा, बहुत आराम से आप इसे कर रहे हैं। एक सीरीज हमारी पूरी एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता की ऐसी चलेगी। मैं चाह रहा हूँ कि एमपी कौशिक की सीरीज को कम से कम 78 चैप्टर हैं, आधे चैप्टर पूरे कर दूँ कोई पर्टिकुलर यूनिट तक, उसके बाद फिर हम वो जो ट्रिपल पॉइंट वाले पॉइंट उनको उठाएंगे, ये मेरा सोचना है, एक बेहतर जगह पहुंच जाने तक। आओ बेटा, वायरस को वीरियंस कहते हैं, वीरियन मींस पॉइजन होता है। इवानोवस्की ने 1892 में बेटा टीएमवी खोजा था। यहाँ मैंने इनको बेटा डिलीट नहीं किया है, ये देखो तमाम से एग्जाम में आते थे पॉइंट्स, तो जो आते थे मैंने सोचा कि अब उसे डिलीट इसलिए नहीं करेंगे कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते बहुत कॉमन होते हैं। अब तक मैं डिलीट कर देता, मैंने डिलीट नहीं करूँगा आज, मैंने सोचा। बेजरिंग ने किया क्या बेटा, एक इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ को क्रश कर दिया, उसका रस निकला, उसको हेल्दी प्लांट पर डाल दिया, हेल्दी प्लांट में भी बेटा इन्फेक्शन हो गया, तो उस फ्रूट को कहा कंटीजियम वायरम फ्रूट, इन्फेक्शियस फ्रूट। डब्ल्यू एम स्टेनले 1935 में इसके क्रिस्टल्स तैयार किए, इनको फातरा वायरोलॉजी भी कहते हैं, है ना। वाइडन और पीरे ने बेटा केमिकल नेचर ऑफ टीएमवी स्टडी किया, ये क्वेश्चंस कहीं पर मुझे मिला है आप लोगों के यहाँ। वायरस बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं आप जानते हैं, बॉडी ने डिफाइन किया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि केवल और केवल होस्ट में सर्वाइव करते बच्चों। जेनर ने 1796 में फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन तैयार किया था, और जब इसकी सुबुगाहट भी नहीं थी, वायरस के विषय में लोग जानते भी नहीं थे, तब की बात हो रही है। इंजीनियर ने कई बार होता ना कि चलो ऐसा चलता है हो जाएगा, ठीक है। पॉस्चर ने बच्चों रेबीज कॉज्ड बाय वायरस बताया था, ठीक, टर्म वायरस सबसे पहले दिया इन्होंने। डिस्कवर्ड किया पोलोमाइलिटिस पॉपर ने, है ना, पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले लिंडमैन ने डेवलप की बेटा। आइसिक लिंडमैन ने डिस्कवर्ड किया इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो एनिमल्स में इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोड्यूस होती है, बनती है। जे शॉक और सेबिड ने बेटा वैक्सीनेशन डेवलप किया अगेंस्ट पोलियो।
डेलब्रुक ने बेटा म्यूटेशन बताया वायरस में, डिस्कवर किया मीजल्स वायरस प्लॉट्स ने, हर्शे चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अंदर बैक्टीरिया, ऐसी कुछ बात कही, ठीक है। लू मॉन्टगेनर ने बेटा एड्स वायरस को डिस्कवर किया सबसे पहले, लगभग 1500 प्रकार के वायरस अब तक आइडेंटिफाइड हैं, उसमें कोरोना वायरस भी आ गया है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायरस सब माइक्रोस्कोपिक हैं, 200 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से आसानी से पास हो जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरस बेटा सेल के ही केवल पैरासाइट होते हैं, इसलिए ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि वायरस के नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते, रिस्पायरेशन नहीं होता, राइबोसोम नहीं होते, कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन लिविंग कहते हैं, इनको क्रिस्टल बनाकर तैयार करके रखा जा सकता है। माइकोबैक्टीरियम लैप्री भी बेटा बैक्टीरिया है, इसका भी कल्चर नहीं कर सकते हैं, एक रीजन बैक्टीरिया के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। वायरस बेटा इनएक्टिव होते हैं केमिकल्स या थर्मोथेरेपी के द्वारा बेटा। लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं, ये लिविंग सेल में जब जाते हैं तो इनका डीएनए या इनका आरएनए रेप्लिकेट करता है, ये इनका बेटा लिविंग कैरेक्टर कहलाता है, उसमें म्यूटेशन भी होता है। बच्चों होल्म ने वायरस को क्लासिफाई किया था, और प्लांट में जब वायरस इन्फेक्ट करता है उसे फाइटोफेजिनी कहते हैं या फाइटोफेजिस कहते हैं, एनिमल में जब बैक्टीरिया में जब इन्फेक्ट करता है तो फैजिनी या बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं या फेजिस कहते हैं, जब बीजीए में इन्फेक्ट करता है तो साइनोफेजिस कहते हैं, फंगस में इन्फेक्ट करता है तो माइकोफेजिस कहते हैं, और एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो जूफेजिनी या जूफेजिस कहते हैं। बच्चों अब केवल टीएमवी के बारे में थोड़ा सा बताना है कि चलिए आज बात करते हैं ओनली फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, हम केवल आज टोबैको टीएमवी की बात करते हैं। आइए टीएमवी पर चर्चा करते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इवान वस्की ने टीएमवी को डिस्कवर किया बेटा, ये रॉड शेप्ड होता है, 15 से 30 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है, 18 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और हेलिकली सिमेट्रिकल होता है। बच्चों मेयर ने इसको डिस्क्राइब किया है टीएमवी को बेटा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जिसकी लंबाई वायरस की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है 330 नैनोमीटर। इसके आरएनए में 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, इसके चार जो प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं, उनमें कैप्सोमेयर की संख्या 2130 होती है, और प्रत्येक कैप्सोमेयर क्योंकि प्रोटीन है तो चेन ऑफ अमीनो एसिड है, प्रत्येक चेन जो होती है बच्चों 150 अमीनो एसिड की बनी होती है। ऐसा क्वेश्चन कर्नाटका 2000 में पूछा गया। इसमें बच्चे आरएनए जो होता है वो कम होता है, केवल 5.5% है, बाकी 94.5% प्रोटीन पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बेटा बीन शेप्ड है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इन्फ्लुएंजा में, हमें ये याद करना है बस जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेजेस की बात आती है, बैक्टीरियोफेजेस का मतलब है वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरियोफेजेस है। तो बैक्टीरियोफेज बेटा ठीक वायरसेस हो गए, किल किसे करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किसने किया टॉट एंड डी हेरिल ने, टर्म बैक्टीरियोफेज किसने केवल डी हेरिल, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं आपके यहाँ, ठीक है ना। पैरासाइट कहाँ पर है, ई कोलाई पर, स्ट्रक्चर कैसा है टैडपोल लाइक होता है, सिलिंड्रिकल हेड होता है, ठीक है, हेड बेटा हेक्सागोनल होता है, टेल सिलिंड्रिकल होती है और बेस पर प्लेट होती है, और छह बेटा स्पाइक्स या टेल फाइबर्स निकले होते हैं। अब क्वेश्चन साइनोफेजिस का है, तो वायरस जो इन्फेक्ट करता है बीजीओ को उसे साइनोफेजिस कहते हैं। सबसे पहले सेफ्रन और मॉरिस ने बीजीओ को डिस्कवर किया
और नाम रहा प्लेक्टोनीमा बोरियेनम। ये क्वेश्चन याद कर लेना बेटा, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट साइनोफेजिस डिस्कवर्ड हुआ, आइसोलेट हुआ किन से बेटा, तीन बीजीय से। LPP1 उसके नाम से जानी जाते हैं, लिंगप्या फॉर्मिडियम प्लेक्टोनीमा। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस साइनोफेजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब माइक्रोफेजेस की बात आई, तो माइक्रो मतलब फंगस हो गया बच्चों, वायरस जब फंगस इन्फेक्ट करेगा तो माइक्रोफेजेस कहलाएंगे। सिंडेन ने खोजा इसे एग्रिकस बाइस्पोरस में 1975। अब बेटा इसमें डबल स्टैंड आरएनए या डीएनए होते हैं लोअर फंजाई में। आ गया माइक्रोफेज, बाद आ गया हमारा एड्स। एड्स पर बहुत से क्वेश्चंस हैं, हम सब के अच्छे क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चन पर थोड़ी सी आगे बात करें। एड्स का, एड्स किससे होता है बेटा, एचआईवी से। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन एमिनो डिफिशेंसी वायरस, एचआईवी कहते हैं। जेनेटिक मेटेरियल एचआईवी का क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एक ही वायरस बहुत स्लो एक्टिव होते हैं, ये लेंटी वायरस कहलाते हैं। ऐसे सभी लर्न कर लेना बेटा। इन वायरसेस में दो आरएनए होते हैं बेटा, दोनों आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, इन दो होते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी हम सब डिप्लॉयड भी कहते हैं। ठीक, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, दो मॉलिक्यूल के साथ साथ बेटा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसे कहा जाता है। और एचआईवी के लिए बहुत अच्छी सी बात बेटा, इसमें प्रोटीन कवरिंग के बाहर भी लिपिड की कवरिंग होती है, और लिपिड की कवरिंग के कारण एचआईवी वायरस इनवेलप्ड वायरस की कैटेगरी में आते हैं, ना कि नेकेड वायरस की, इनवेलप्ड वायरस की। आरएनए है इसमें मात्र बेटा, इसके एचआईवी में 9 जीन्स होते हैं। अब ये सब छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपके बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, अब एचआईवी पैरासाइट किस पर होता है, तो हेल्पर T4 सेल्स होती है बेटा, और उसमें CD4 रिसेप्टर्स हैं, याद रखना है। कौन सी सेल लगातार घटती हैं, हेल्पर टी सेल बेटा घटती हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज सिंड्रोम कहते हैं बेटा एड्स को। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी है ना, यानी कि हम सब कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट से बनने वाली होगी। एड्स ग्लोबल एपिडेमिक डिजीज है बेटा, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज है। एड्स कैसे कंटेनमेंट होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकती है बेटा, ट्रांसफर होती है। ठीक है, किससे ट्रांसफर होती है, ब्लड से होती है ट्रांसफ्यूजन, या फिर नंबर दो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है, या इन्फेक्टेड मदर में प्रेगनेंसी के समय पहुंच जाती है थ्रू प्लेसेंटा, या फिर कह सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, और इन्फेक्टेड नेटवे। चार तरीके होते हैं इनके जाने के। अब सवाल ये है बेटा, एचआईवी को फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ से किया गया था, अफ्रीकन ग्रीन मंकी में किया था, जायर में फर्स्ट आइसोलेट किया था लक मॉन्टेगनर ने फ्रांस में, लेकिन बाद में बेटा रॉबर्ट गैलो ने यूएसए में 1984 में इसे डिस्कवर किया था। फर्स्ट एड्स पेशेंट कब रिकॉर्ड, कहाँ रिकॉर्ड हुए हैं, हताई में रिकॉग्नाइज हुआ यूएसए में बेटा 1981 में, होमोसेक्सुअल के बीच भी को देखा गया ऐसा बताते हैं। इनके दो टाइप्स हैं HIV-1 HIV-2। HIV-1 जो होता है कंपेरेटिवली मोर डेंजरस ऐसा बताया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 14 साल तक है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन से लेकर के सिम्टम्स के पहले लक्षण के आने तक को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, इन लेटेंट पीरियड बेटा इसका 5 सालों को होता है। विक्टिम सिम्टम्स आने के बाद 3 सालों में उसकी डेथ हो जाती है। नीट का यूट्यूब बैच सुबह चल रहा है बन्नान, सुबह 8:30 बजे नीट का बैच भी चल रहा है, उसके लिए अच्छे तरह से पैकेज मैंने अनाउंस किए हैं, उसको देख लेना, फ़ोन पर बात कर लेना। चलिए,
अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द एड्स की हम लोग बात करते हैं। एलिसा जो टेस्ट होता है, इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वायरल लोड टेस्ट होता है जिसे CD4 के नंबर टेस्ट किए जाते हैं, ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। फॉल हो जाए जब बेटा CD4 काउंट फॉल 600 से 1000 पर ml हो जाए तब बेटा इसे रैपिड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे रिपा भी कहते हैं, ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV के लिए। अब आई बात बेटा वायरॉइड, वायरल कुट्टी और डोनर ने खोजा था बच्चों, ये भी इन्फेक्शियस एजेंट है, सब वायरल कहते हैं, वायरल नए क्लास पैथोजन है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, 250 से लेकर के 370 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं केवल। चलो बच्चों, आप सब लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके, तो एक नए तरीके से हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक नए तरीके से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब दो चीज़ें होती हैं कि मेरा केवल डिक्टेशन है जो आप तक जा रहा है, मैं इसमें कोई फिगर बना करके कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। किसी बच्चे का फोन आया था, उसने यही कहा था सर आपने वायरस पढ़ाया, शायद उसकी 4 क्लासेस 5 क्लासेस हुई हों, लेकिन यहाँ पर आप जब पढ़ाते हो तो एक दिन में ही आप सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, फिर ये क्लास मेरे लिए और बाकी सभी के लिए बहुत अच्छी है। आपने लोअर एनिमल्स पढ़ाया, बहुत डिटेल से पढ़ाया, 2 महीने पढ़ाया, 1.5 महीने पढ़ाया, लेकिन क्या हम उस वीडियोस को उतना टाइम देकर देख सकते हैं, तो सर इतना समय नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर आप तक वो बातें पहुंचाते हैं। तो निधि, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोली हैं, इनको आप अच्छे से याद करो, क्योंकि समय लर्न करने का है, रट डालो चीज़ों को, जो अच्छे लगे उनको ज़्यादा पढ़ डालो, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इनमें स्पेस कम है और मटेरियल जाता है, ठीक है। आइए, वायरॉइड बेटा प्रोटीन कवरी बिल्कुल भी नहीं होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है 75,000 से 1,30,000 डाल्टन, ठीक। इसमें कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है नेकेड आर्मी। PSTD कॉज करता है, पोटेटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज के साथ साथ क्राइजेंथम ऑफ स्टंट और सिप्टस एक्सोटिस 2 डिजीज और हैं जो वायरॉइड कॉज करते हैं। सारे बच्चों देखो, चैनल को लाइक जरूर करो बेटा, लाइक करने के साथ साथ एक काम जरूर किया करो, जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो कैनिस वाली क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो आवश्यकता हो स्काइप एमडे ऐप डाउनलोड कर लें। चीज़ें बहुत मिलेंगी, निसंदेह मिलेंगी आपको। वायरॉइड बेटा केवल प्लांट में रेफर करता है, एक बहुत अच्छी बात और आपको मिल गई, ठीक है ना। वायरस वाइट बेटा, अब वायरस वाइट जनरली आप समझोगे नोट्स में किताबों में नहीं दिखाई देता है, नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं दिखाई देता है। तो अब आपको वायरस वाइट बेटा JW रेंडल ने देखा, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें सर्कुलर RNA, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बस छोटो छोड़ो ये चीज़ें, इतने बहुत है बेटा। वायरस वाइट, सम वायरस वाइट आर रिपोर्टेड बाई नेसी फॉर, ये है 1 वायरस वाइट इस विद द वेलवेट TMV, यानी TMV से एसोसिएटेड है, वायरस पैरासाइट एंड वायरस ऐसा कहा जाता है। प्रियॉन्स की बात आती है तो प्रोजनर ने देखा बेटा इसमें ये केवल प्रोटीनियस कंपोनेंट होता है, इसमें केवल प्रोटीन होती है, कोई न्यूक्लियोलाइसिस नहीं होता, कोई ना RNA है ना DNA है। प्रियॉन से बेटा 2 डिजीज हो रही हैं, एक क्रू है, एक क्रेस्फेल्ड जैकब डिजीज है, जबकि हम सब इसमें BSE कहते हैं, ठीक। बोवाइन स्पंजी फॉर्म इनसेफेलोपैथी मैड काउ डिजीज कहते हैं, जानवरों में भी होती है, उसी का वेरिएंट ह्यूमन में भी पाया जाता है। कुरु डिजीज लाफिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये भी है ना। प्रियॉन जो है सीरियस नर्व एंड ब्रेन डिजीज को कॉज करता है, आप ये मानो। इंटरफेरॉन बेटा एंटीवायरल्स होते हैं,
जो हमारी बॉडी की इन्फेक्टेड सेल्स बनाते हैं, नेचर ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, इन्फेक्टेड सेल्स डिफेंस में बनाते हैं। आइसेक लिंडेनमैन ने इसे डिस्कवर किया था। इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है इन सभी के द्वारा वायरस के प्रवेश कर जाने के बाद। बेटा टोबैको मोजेक डिजीज हो, लीफ करला पपाया हो, एलोवेन मोजेगा भिंडी हो या पोटेटो लीफ रोल हो, ये सारे प्लांट में वायरल डिजीज है। मुझे नज़र आ रहा है कि वायरस का चैप्टर शायद एमपी कोसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। रमेश गुप्ता ने भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है वायरस के बारे में, तो जब रमेश गुप्ता की फाइल खुलेगी तो उसमें भी वैसी बताएंगे जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए लाइकेन में बेटा यहाँ नोट्स नहीं बने हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे चैप्टर जो होगा वो मैं बताऊँगा इस समय। फंजाई, मैं सोच रहा हूँ आज आपको फंजाई भी फिनिश कर दूँ। हाँ पारुल चौहान, क्या आपने एडमिशन लिया है? नहीं लिया है, नोट जरूर मिलेंगे। नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा 9792169169, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा अभी या बाद में, तो आपको सारी जानकारी इसके विषय में मिल जाएगी। नोट्स बेटा बहुत अच्छे हैं, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे से लिखा है। एमपी कोसी के सारे पॉइंट में उतारने की कोशिश की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। अब फाइल, अब आपका चैप्टर 10वां शुरू हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर शुरू हो जाएंगे, ख़त्म कर देंगे ऐसे जल्दी से। ठीक है ना, स्वप्निल मिश्रा गुड इवनिंग, स्वप्निल वाजपेयी आते राज मिश्रा जी आ गए। चलिए बेटा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को के लिए कह सकते हो फंजाई बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, प्रोटिस्टेंट लीव्स नहीं होती हैं क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। स्टडी को बेटा माइकोलॉजी कहते हैं। पी मिशेली को फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं बेटा। ए डी बेरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर। जिसके भी नोट्स रह गए हैं एक दो दिन में बेटा, वो सारे नोट्स जिनके भी रह गए हैं वो सारे बेटा फोटोकॉपी होकर के आ गए हैं, एक दो दिन में डिस्पैच करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन में डिस्पैच करा दिए। ठीक है, चलिए। फंगस हर जगह पाए जाते हैं बेटा, सेप्रोफिटिक होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इन्हें बेटा वेजिटेबल वर्चर्स भी कहते हैं, इसके स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। ये कहीं भी पड़े ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। तीन फंजाई मैंने लिखे हैं जो एक्विटी हेलोमाइसिस एक्लिया और सेप्रोलिग्निया, तीन फंगस यहाँ लिखे हैं। सेप्रोलिग्निया या वाटर मोल्ड्स हैं बेटा, अगर डंग पर रहते हैं तो उसे काप्रोफिलस कहते हैं, म्यूकर म्यूशेडो है ना, फाइलोबोस बेटा है। वुड पर रहते हैं तो लिग्नोफिलस कहते हैं और हमारे हेयर पर होते हैं तो उसे क्रेटिनोफिलस कहते हैं। अब सवाल है फंगस कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो ग्रो इन एसिडिक मीडियम, ये है फंगस की ग्रोथ के लिए बेहतर पॉइंट। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक में एक्ट्रोटोपैरासाइट भी हैं, एंडोपैरासाइट भी हैं, सिम्बायोटिक में फंगस बेटा लाइकेन भी बनाते हैं और माइकोराइजा भी। अब लाइकेन माइकोराइजा का एसोसिएशन तो जानते ही हो बेटा, बहुत बढ़िया पॉइंट। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इन्हें बायोट्रॉप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार सीपीएमटी में पूछा गया था बायोट्रॉप्स के बारे में। ठीक, फैकल्टेटिव बेटा सेप्रोफाइट्स होते हैं तो हेमी बायोट्रॉप्स कहलाते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं तो सेकेंडरी पैरासिटिक कहलाते हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं।
किसी प्रेडेटर फंगस का नाम बताओ। एक नाम याद रखना, डेक्टिलेना, दूसरा है आर्थ्रोबॉटिस, बहुत जरूरी है इनका। ठीक है, लाइकेन भी लिखा हुआ है, माइकोराइजा भी हुआ है, आपने देख लिया बेटा। एक्टोमाइकोराइजा में मेनली बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं और एंडोमाइकोराइजा में बोलिडस, ट्राइकोलोमा और एमानिटा। एंडोमाइकोराइजा में वैम का एसोसिएशन होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोवैम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, फंगस एसोसिएट हो जाता है अंदर से। अब आइए बेटा प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी फंगस की थायरॉइड होती है, रूट स्टेम लीफ नहीं होती है। इनकी बॉडी को हाइफी कहते हैं, थ्रेड लाइक होती है, फिलामेंटस होती है, सिलेक्टर होती है, नेटवर्क को माइसिलियम कहा जाता है, एक फिलामेंट को हाइफी कहते हैं। वो दो प्रकार की है, एसेप्टेट होती है, अगर इसमें सेप्टा नहीं होते हैं तो मल्टी न्यूक्लेटेड सिनोसिटिक होती है। ये बेटा पाई जाए, इसमें सेप्टा कब बनता है, जब सेक्स आर्कर बनते हैं, स्पोरेंजियम या ओगोनियम या एंथ्रिडियम। बच्चों एसेप्टेट हाइफी क्लास फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स की होती हैं, बाकी सभी में सेप्टेट हाइफी होते हैं। जब सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियस या तो एक होता है, दो होते हैं तब जब उनमें प्लाज्मोगेमी हो चुकी होती है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ऐसा देखने को मिलता है। जबकि ड्यूट्रोमाइसिटिस बेटा जिसमें सेक्स प्रोडक्शन होता ही नहीं है, उसका हाइफी सदैव कहा जाए तो मोनोकैरियोटिक ही रहता है। अब बेटा इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, सेप्टा कैसे होगा। कंप्लीट सेप्टा होता है जियोट्राइकियम कह गया, सेप्टा बेटा सिंपल पोर होता है एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस में। डोली पोर सेप्टा अगर कहा जाए, क्योंकि बैरल शेप्ड होते हैं वो बेसिडियोमाइसिस में पाए जाते हैं, इन वो बैरल शेप्ड सेप्टा जो होते हैं रस्ट और स्मट यानी पॉक्सिनिया और ऑस्टिलिगो में नहीं पाए जाते। ठीक, यूनिसेलुलर फंगस की बात करोगे सिंकाइट्रियम है और सैक्रोमाइसिस है, जबकि स्मॉलेस्ट फंगस को कहोगे तो ईस्ट है, ईस्ट ही बेटा सैक्रोमाइसिस है। लार्जेस्ट फंगस है आर्मिलिया है बेटा, और गोनोडर्मा की बात में ब्रेकेट फंजाई कहते हैं और जैंट पफ को क्लाइविटा के नाम से जानते हैं, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा। फंगस की सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। बच्चों सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन में क्या होता है, एन एस्टिल ग्लूकोज अमीन होता है, इसे फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है बेटा, फार्मूला इसका कुछ ये दिया है, C22H54O4N21 की होल N। सेल वॉल में बेटा 80-90% कार्बोहाइड्रेट है, बाकी प्रोटीन और लिपिड भी है। कुछ फंगस में सेलुलोज पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्लास फाइकोमाइसिटिस को बिलोंग करते हैं। फाइटोप्थोरा, पाइथियम और सेप्रोलिनिया के सेल वॉल में सेलुलोज देखा गया है। काइटिनोसेल्यूज दोनों किस में मिलता है, राइजिडियोमाइसिस। अब आप कहोगे सर इतनी चीज़ें निकाल के दिखा रहे हैं आप, तो जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है उसमें बहुत बार एग्जांपल को नज़रअंदाज करते हैं, क्यों याद नहीं आता है तो उसे नहीं लिखा गया, इस नोट्स में आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, खूबसूरत बात है कि आपके लिए ये मौका भी मिल रहा है। चलिए बच्चों फिर आती बात सेल के अंदर चलते हैं, है ना। जब सेल के अंदर चलते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग क्या बात करेंगे, सेल आर्गेनेल की बात करेंगे, है ना। सेल आर्गेनेल, तो सेल आर्गेनेल अंदर सभी पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं बनता है और स्टार्च ग्रेन भी नहीं होगा। बस स्पेशल है गॉल्गी बॉडी में एक ही सिस्टर्नी होती है, इसे यूनिसिस्टर्नल कहा जाता है। बच्चों हाइफी के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेशल बॉर्डर बॉडी पाई जाती है जिसे लोमोसोम कहते हैं, जो सेल के एक्सटेंशन में हेल्प करती है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है न्यूक्लियस डिवीजन का, कैरियोकाइनेसिस होती है यानी इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बनेगा तब इंट्रा न्यूक्लियर कहते हैं। हेट्रोकैरियोसिस का मतलब है दो डिसिमिलर प्रकार के न्यूक्लियस बेटा एक ही सेल में पाए जाते हैं,
जो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, सेक्स प्रोडक्शन समय जो वेजिटेटिव सेल आपस में आते हैं प्लाज्मोगेमिक के बाद, फंगल टिश्यू लूज टिश्यू कहलाता है बेटा कैसा होता है, अगर इंटरवीनिंग हाइफी होते हैं तो प्लेक्टिन काइमा होता है इसका टिश्यू। और ये टिश्यू बेटा दो तरह का है, प्रोचिम काइमा और स्यूडो पेरेन्काइमा। जब ये पैरेलल लूज अरेंज होंगे तो बेटा प्रोचिम काइमा कहलाएगा, कॉम्पैक्ट होंगे तो स्यूडो पेरेन्काइमा के नाम से जाना जाएगा। जनरल में बेटा हम लोग यही कहते हैं कि लूज टिश्यू पाया जाता है तो नाम होगा उसका फंजाई। स्पेशल स्टर्स स्क्लेरोसिया, राइजोडा, राइजोमार्फ या फिर स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन बेटा वेजिटेटिव है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये तो सभी हाइफी में होगा। जब फिजन और बडिंग की बात आती है तो ये केवल बेटा ईस्ट ग्रुप के मेंबर्स में पाया जाएगा और कहीं नहीं होगा, क्यों फिजन का मतलब यहाँ बाइंडिंग फिजन से है और बडिंग जो होती ईस्ट में देखने को मिलती है। ओइडिया भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बेटा, क्योंकि हाइफी के ब्रेक होने के बाद जो फ्रेगमेंट बनता है उससे जो बडिंग बनती है उसे ओइडिया कहते हैं। इस स्टेज को बच्चों टोरुला के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटोस्पोर्स भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, रेस्ट करते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो स्पोर्स के द्वारा होता है, यूनिफ्लैजेलेटेड जूस्पोर एक फ्लैजेला सिंकाइटियम में है, एलोमाइसिस में है और राइजिडियोमाइसिस में, लेकिन बाईफ्लैजेलेटेड पाइथियम में है, सेप्रोलिग्निया में है और प्लाज्मोडियोफोरा में। अब दो क्वेश्चन आता है, अगर फ्लैजेला बेटा एंटीरियर प्रेजेंट होगा उसे प्राइमरी जूस्पोर्स कहते हैं, लेटरल में प्रेजेंट होते हैं तो सेकेंडरी जूस्पोर्स कहते हैं। सेकेंडरी जूस्पोर्स बेटा बेसिडियोमाइसिस के मेंबर्स में होते हैं और प्राइमरी जूस्पोर्स होते हैं वो बेटा फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। सॉरी ठीक, ये मैंने गलत बोल दिया कि बेसिडियोमाइसिस, ये दोनों ही प्रकार के फ्लैजेला बेटा फाइकोमाइसिस के मेंबर्स में ही पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के फ्लैजेला फाइकोमाइसिस के मेंबर्स में ही होते हैं बस। अब लाइफ साइकिल दो तरह की होती है, एक डायप्लेटिस होती है, एक पॉलीप्लेटिस। अगर लाइफ के डिफरेंट फेजेस में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बने, उनमें अलग अलग प्रकार के फ्लैजेला प्रेजेंट हों तो ऐसी लाइफ साइकिल को बेटा दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे तो डायप्लेटिस कराएगी, जैसे कि जैसा कि सेप्रोलिग्निया में है। अगर ये स्पोर्स लाइफ में दो से ज़्यादा प्रकार के हैं तो पॉलीप्लेटिस कराएगी, ऐसा एक्लिया में। चलिए, बिना फ्लैजेला के स्पोर्स को स्पोंजो स्पोर्स के नाम से जानते हैं या एप्लानो स्पोर्स कहते हैं और पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं। आपको पता है कोनिडिया बेटा एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं, बाइसेड कोनिडिया ट्राइकोथीसिया में मिलता है, स्पेशल बेटा ये पीजीटी के क्लास के लिए है कोनिडिया। फ्यूजेरिया में बेटा माइक्रो मैक्रो क्यूडिया बनते हैं, स्पेशल फीचर्स हैं बेटा। अब सेक्सुअल मेथड प्रोडक्शन फंजाई में बेटा पांच प्रकार का होता है, उन पांच प्रकार के सेक्सुअल प्रोडक्शन जो सबसे एडवांस माना जाता है उसे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं। देखो गैमेट फ्यूज करेगा, ध्यान रखना, अब गैमेट बेटा एक जैसे हैं तो आइसोगैमी कहलाएगा सिंकाइटियम में, अन आइसोगैमी या ओगैमस कहलाता है। अब ओगैमस आइरिस को आप अच्छी तरह से जान रहे हो, बट एग्जाम्पल है आइसोगैमस सिंकाइटियम एलोमाइस का एन आइसोगैमिक और मोनोब्लेफेरिस का बेटा ओगैमस। इसमें मेल गैमिट मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल होता है। गैमिटेंजल कॉन्टेक्ट, यहाँ पर गैमिटेंजिया बनते हैं वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, ये बेटा उनसे थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है। यहाँ सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, मेल सेग्रम कंथ्रिडिया और फीमेल को ओगोनिया कहते हैं, ऐसा एल्बिगो में पाया जाता है फाइटोप्थोरा में। लेकिन अगर गैमिटेंजिया पूरे फ्यूज हो जाए, जैसे राइजोपोसोम्यूकर बनता है उसे गैमिटेंजल कॉपुलेशन कहते हैं बेटा। लेकिन स्पर्मेटाइजिस बेटा पक्सिनिया में पाया जाता है, जिसमें एक हाइफी दूसरी हाइफी से टच करके अपने मेल गैमेट ट्रांसफर करती है, ऐसा स्पर्मेटाइजेशन बच्चों पक्सिनिया में मिलता है। सोमेटोगैमी बेसिडियोमाइसिटिस के एग्रीगेट में सोमेटोगैमी होती है बच्चों, जिसमें दो सोमेटिक सेल दो हाइफी आपस में फ्यूज करके प्लाज्मोगेमिक द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं एगेरिकस। होलोकार्पिक मतलब होता है जब इंटायर सेल इंटायर ऑर्गेनिज्म टर्न इनटू द रिप्रोडक्टिव बॉडीज कॉल्ड होलोकार्पिक, जब सम पार्ट ऑफ द बॉडी
get modified to form the reproductive structure is called eukaryote. कैसा लग रहा बच्चों? ठीक है, सही से बताना, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। देखो एक चीज तो है, पहले बच्चों की संख्या ज्यादा रहती थी, अब कम है, तो ये पैटर्न शायद कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। जबकि उस पैटर्न से पढ़ा रहा था 20 से 25 लगभग सब हमेशा ही रहते थे, तो पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्यों? तो मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ बहुत लोगों को ठीक नहीं लगी ये पैटर्न, और जिनको अच्छा लगा वो ठीक है, स्पीड तो है ही है, तो आप देख ही रहे हो। अब इसमें पुराने नोट्स, पुराने प्रॉपर चीज़ें अगर याद करके बैठो तो बहुत अच्छा है, कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर बातें अलग है। मेरी तो कोशिश है कि हम आपको ठीक तरह से बताएं, जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं, है ना। अरे बिटिया कहाँ अच्छा पढ़ा रहे, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। स्पोर्स बेटा प्लेनोस्पोर, उन्हें कहते हैं फ्लैजला पाया जाता है, प्लेनोस्पोर्स कहलाते हैं। ए प्लेनो विदाउट फ्लैजला, नॉन मोटाइल होते हैं। माइटोस्पोर्स वे होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं। इसको ये सभी माइटोस्पोर्स। मियोस्पोर वे होते हैं जो मियोसिस के बाद बनते हैं। ये मियोसोर बेसिडोस्पोर, ये दोनों बेटा हैप्लोइड हैं, क्यों? मियोसिस के बाद बनते हैं। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर जो स्पंजिया के अंदर बने, जूस्पोर, पिकनियोस्पोर या एस्कोस्पोर, एस्कस में बनते। एक्सोस्पोर जो बाहर बने, कोनिडिया और बेसिडियो। कोनिडिया बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स है जो एक्सोस्पोर है, बेसिडोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स है जो एक्सोस्पोर्स। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आते हैं। बाइन्यूक्लियर स्पोर बेटा केवल यूडिडोस्पोर, एसियोस्पोर और बैक्टेरियोस्पोर हैं, ये तीनों है बेटा पक्षी या एग्जांपल, ठीक है। क्लासिफिकेशन आ गया, देखिए जरा से। प्राइमरली फंजाई के क्लासिफिकेशन बेटा उनके स्पोर्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के बेसिस क्लासीफाई करते हैं। ओस्टवाल्ड ने अपने 8-10 को माइकोटा डिवीजन में रखा था। साइजो माइक्रोफाइटा में बैक्टीरिया आते हैं, मिक्सो माइक्रोफाइटा में स्लाइम मोड्स आते हैं, और यू माइक्रोफाइटा में फंजाई आते हैं। मार्टिन्स ने 3 सब डिवीजन बनाए थे, साइजो माइसीड्स, मिक्सो माइसीड्स और यू माइसीड्स, बात वही है, ठीक वहाँ माइकोटा। यहाँ पर इन्होंने बेटा 4 क्लासेस यू माइसीड्स की बताई थी, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियो डिट्रोमाइसिस, यही बेसिकली इसी से फंगस जाने जाते हैं। क्लास फाइकोमाइसिस को एलगल फंजाई कहते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव हैं, लोअर फंजाई हैं, एक्वेटिक हैं, टेस्टेल भी हैं, एसेप्टेड सिंथेटिक माइसिलियम हाइफी हैं, सेक्स आर्गन वेल डेवलप्ड है। सेप्टा तभी बनता है जब सेक्स आर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये क्लास अब नहीं है, इसके 2 डिवीजन कर दिए गए हैं, ओमाइसिट्स और जाइगोमाइसिट्स। ट्राइकोमाइसिडरी माइसिलियम अब इसमें एबसेंट बेटा, क्योंकि जूस्पोर हैं सिंकाइट्रियम। इन ओ माइसिडरी में एग फंजाई कहते हैं, जूस्पोर जय फंजाई कहते हैं इनको बेटा। ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेस्टल भी हैं, ठीक। इसमें फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स हैं, एल्बिगो सेप्लोडिया फाइटोप्थेरा। जाइगोमाइसिस कॉन्जक्शन फंजाई कहते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक। इसमें फ्लैजला स्टेज नहीं होते, म्यूकोर और राइजोबस। प्योर सिलेबस बेटा क्या होता है मुझे नहीं पता है। जहां तक ये बात है तो जेनरा जो है इसमें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमपी कोसी के नोट्स है बेटा, ये सीधी सी बात है, कुछ में घुमाने की बात थोड़ी है। जेनरा नहीं मिलेंगे, उनको एमपी कोसी कंप्लीट करा देने के बाद में ऐड करूंगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, अगर इसकी बात करते हो तो, ठीक है।
बैटरी देख लो जरा इसकी। हेलो, एस्को मास्टर द लार्जेस्ट क्लास है, सेक फंजाई कहते हैं, टेस्टियल है, सेप्टेट है, सेक्सुअल डिजनरेशन हो चुका है, एस्कस कुंडिया बनते हैं, गैमेटिक कॉन्टेक्ट कॉपुलेशन या प्लेनोगैमी कॉपुलेशन नहीं पाया जाएगा बेटा। एस्को स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं, एंडोजीनस ऑरिजिन के हैं, सब क्लास हेमी एस्को मास्टरीज और यू एस्को मास्टरीज हैं। हेमी एस्को मास्टरीज में बेटा ईस्ट आते हैं, यू में बेटा प्रोटीन बॉडीज बनती हैं। प्रोटीन बॉडी तीन प्रकार की हैं, क्लेस्ट्रोसीसियम कंप्लीटली क्लोज्ड होती हैं, पेरीथीसियम फ्लास्क शेप्ड होती हैं, एपोथीसियम बेटा सॉसर शेप्ड होती हैं, एस्परजिलस पेरिसिलियम में क्लिस्टोथीमस हैं, ठीक, सी ए पी कैप कहते हैं बेटा, बंद होती है, क्लोज होती है, पेरीथीसियम में क्लेविशेप्स में है, ठीक, क्लैप्स पी सी बी है, और एपोथीसिया बेटा एस्कोबुलस न्यूरस पर मार्सिलिया और पेजी जाना है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कहीं भी उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हिस्टीरियोथीसियम है, स्मॉल इलांगेटेड बोर्ड शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है बेटा, ये क्लास बेसिडोमाइसिस को क्लब फंजे कहते हैं, ये इवॉल्व हो चुकी हैं हर तरह से, लेकिन सेक्स प्रोडक्शन घट गया है बेटा, ये इवॉल्व कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड हैं, एडवांस हायर फंजाई हैं, बेस्ट डिकम्पोजर बेटा, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, जो डाई कैरोटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टियल होते हैं बेटा इसमें। माइसिलियम दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मोनोक्रोटिक हैं, सेकेंडरी डाइक्रोटिक हैं, जो दो सोमेटिक हाइफिक फ्यूजन से बनती हैं। यहाँ भी हेट्रोबेसिडोमाइसिट्स हैं बेटा और होमोबेसिडियो हैं, अगर बेसिडियम नेकेड होंगे, डोलीपोर सेप्टा एबसेंट होगा, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, तो बेटा हेट्रोबेसिडोस्पोर है, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, बेसिडिया कवर्ड होंगे, तो बेटा ये सब क्लास होमोबेसिडोमाइसिटिस, जिसमें मशरूम आता है, ठीक है ना। हेट्रोमिस्मट और रस्ट है, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। डिटोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, आर्टिफिशियल फंजाई भी कहा जाता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, कोलिटोट्राइकम, सेरकोस्पोरा, इन सब के एग्जाम्पल हैं बेटा। एलेक्सोफोलस ने फंजाई को क्लासिफाई किया था, ठीक है, ओमाइसिट, सेप्रोलिग्निया, सलमन डिजीज ऑफ गिल, फाइटोथोरा, लेट प्लेक्टा पोटैटो, जो अंडरलिंग है वही याद करना है, एल्विगो, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर, सिस्टोबस कैंडिडा भी कहते हैं, पाइथियम डेबरियानम से बेटा टेम्पिंग ऑफ डिजीज, स्क्लेरोस्पोरा, जर्मेनिकोला से ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा है, लग करना होगा, बहुत अच्छे। राइजो पर सॉफ्ट रॉट लीक ऑफ स्ट्रॉबेरी, म्यूकर म्यूकोराइकोमोसिस, राइजोपस एराइजस, रॉट ऑफ एप्पल, एप्पल सड़ जाते हैं, राइजोपस ओराइजी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में राइजोपस नोडुलस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइजोपस स्टोलिन परफ्यूमरिक एसिड फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट है वो आएगा नहीं, बात अलग है, कई बार लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आ रहा। टंग मोड पिन मोड कहते हैं ऊपर कैनिकस मीटा, एस्कोमाइस्टिस में ईस्ट कैनिडा, ये सब एग्जाम्पल हैं, पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोड, एस्परजिलस फ्लावर, गुआनिया पीगा प्लांकिनम, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला प्लांकिनम, मार्चेला गुच्छी, मोरेल गुच्छी, एडिबल फंजाई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, रगड़ फंजाई, अर्गड सीरियल, ठीक है, एलसीडी मिलता है बेटा इससे। फुल हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी कॉज करता है बेटा, बेस्टोमाइस्टिस एगेरिकस, मशरूम, पक्सीरिया, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लाइकोपोडन, पफ बॉल, एडबिल,
यूरोमाइसिस, पॉक्सीनिया, रस्ट, ऑस्ट्रेलियोगोइस्मट, डिटोमाइसिटिस, सर्कोस्पोरा, पर्सोनेटा, टिक्का डिजीज इंपॉर्टेंट याद करो, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो याद करो, फ्यूजीरियम ऑक्सिस्पोरियम, विल डिजीज ऑफ टोमेटो याद करो, कोलिट्रोडाइकम फलकेटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन याद करो, याद करो इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेल्बेंथोस्पोरम ओराइजी बंगाल फेमाइन हो गया था बेटा 1942-43 में, एम्पायर क्लाउडियस सीजर को मार दिया था उसकी वाइफ ने बेटा, टोडिसोल फंगस एमनेटा खिलाकर जिसमें कि आरएनए सिंथेसिस रुक गई थी, एंसवर्थ ने फंजाई के दो डिवीजन किए, मिक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा, इसमें प्लाज्मोडी स्टेज है, इसमें विदाउट प्लाज्मोडियल है, यू माइकोटा मिक्सोमाइकोटा मिक्सोमाइसिट्स और एक्रोमाइसिट में ए सेलुलर होते हैं, फाइजेरम सेलुलर होते हैं, सीडो प्लाज्मोडियम डिवीजन इसका बेटा, इसको छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल वही हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल दोहरा गए हैं बच्चों, ठीक। सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कैसा लग रहा मेरे बच्चों, जैसा भी हो ठीक है, नंबर्स कम हैं ये देखकर थोड़ा सा लगता है कि बच्चे कम से कम 30 होने चाहिए, कम है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको कैसे दूर करें, बस यही कोशिश में लगे हैं। चलो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में फंजाई एस फूड हैं, एडिबल फंगस मार्चेला, लाइकोपर्डन एग्रिकस, एमएलए कहा जाता है बेटा इनको, खाए जाते हैं, एग्रिकस बाइस्पोरस विदाउट टॉक्सिन है बेटा, प्रोटीन मिलेगा, फास्फोरस आयरन है, विटामिन हैं, लो कैलोरी कैल्शियम आयन है, लाइसिन रिच है बेटा ये, ईस्ट में विटामिन होते हैं, इंडस्ट्री में बेटा पेंसिलियम कॉम्वर्टी या पेंसिलियम वॉकवर्टी से चीज़ बनता है, इम्पोर्टेंट ये भी है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस से बेटा, बेकिंग ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट होते हैं, ईस्ट एल्कोहल भी बनाता है, अभी ये बेटा इन्वर्टेज एमाइलेज एंजाइम बनाने वाले फंगस का नाम है, आर्कट अभी पीछे पड़ा, क्लेविसस परपीरिया से यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन में चाइल्ड बर्थ में यूज होता है, चाइल्ड बर्थ समय हैमरेज को रोकता है बेटा ये, हाँ इफेक्टिन बेटा जो इफेक्टा से मिलती है, आजकल ये ड्रग ईस्ट में बेंजल्डिहाइड से प्राप्त की जा सकती है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजिनम से मिली, ग्रीसोफलोविन एंटीबायोटिक जो पेंसिलियम क्राइसो ग्रीसोफलोवेकम से मिली बेटा, कीटोमिन्स ग्लियोटॉक्सिक क्लेविफॉर्मिन सब एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ डिजीज हैं जो याद करनी चाहिए, सिकाइटियम एंडोबायोटिकम ब्लैकवर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, पाइथियम डेवरियानम डैम्पिंग डिजीज ऑफ सीड, ये सब बेटा डिजीज अभी पीछे हम लोगों ने लिखी हुई है, दोबारा पढ़ रहे हैं इसको सारी, पर्सोनेट पद्मोश्वसन डाउन मिल्डियो ऑफ कृषि पर, प्लाज्मोपोरा विटिकोला डाउन मिल्डियो ऑफ ग्रेप, फाइटोप्सरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एरिस्फी गोसमी पाउडी मिल्डियो ऑफ सीरियल्स, एरिस्फी सिकोरेशियम पाउडी मिल्डियो ऑफ कुकरबिट, क्लेविसस परपीरिया अर्कट ऑफ द राइस, पॉक्सिनिया ग्रैमिनिस्टिटिकाई ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सी तो आपको ऑलरेडी याद ही हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिगो टिटिकाई लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, ऑस्ट्रेलिगो साइनोडोनिटिस लूज स्मट ऑफ ग्रास, ऑस्ट्रेलिगो माइडिस कॉर्ड स्मट, ऑस्ट्रेलिगो न्यूडो लूज स्मट ऑफ बार्ले, ऑस्ट्रेलिगो हॉर्डी कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, सेरकोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, हेल्बेंथोस्पोरियम ओराइजी ब्राउन लीफ ऑफ राइस,
अल्टेनिया सोलिडाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फ्यूजीरियम ऑक्सिस्पोरम विल्ट ऑफ अरहर, कोलिट्रोटाइकम फलकेटम रेड राइट ऑफ सुगर केन, सब इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ता है, मैक्सिमम जितना आप कर पाओ बच्चों। अब राइजोपस ऐसे जनरा पढ़ लिया, पिन मोड या ब्लैक मोड कहते हैं, सेप्रोफिटिक फंजाई है, राइजोपस निग्रिकेनस स्टोलिनिफर हैं, माइसिलियम ये बेटा फाइकोमाइस्टिस हैं, तो सब याद ही होगा सब चीज़ें, राइजोइड हाइफी हैं, स्टोलन हैं और ये स्पोरेंजियोफोर स्पंजिया बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन से क्लैमेडोस्पोर से एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं बेटा, ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, यहाँ बन रहे हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लेटेड हैं, सेक्स प्रोडक्शन कैमिटेंजियल कॉपुलेशन से है, दो मल्टी न्यूक्लेटेड कैमिटेंजिया मिलते हैं, सीनो कैमिटेंजिया बनाते हैं, जाइगोसोम बनता है, फाइव लेयर थिक होता है, मियोसिस होती है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, राइजोपस सेक्सुअलिस जो है ये होमोथैलिक है, स्टोलोनिफर जो हेटरोथैलिक माइसिलियम है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस जीनस को बिलोंग करता है, ए वी लिविनहॉग ने खोजा, स्टडी को जाइमोलॉजी कहते हैं, जाइमोसिस फॉर्मेंटेशन को कहते हैं, सेप्रोफिटिक फंगस है बेटा, सुगरी सोल्यूशन में ग्रो करता है, फैकल्टेटिव एरोब्स है, यूनिसेलुलर बेटा सीडोमाइसिलियम बनाता है, सेलवान में ग्लूकन मैनन लिपिड प्रोटीन और काइटिन होता है, काइटिन को 2% है, रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो वेजिटेटिव है, बडिंग सैक्रोमाइसिस में, फिजन साइजोसैक्रोमाइसिस में, हेलुबियल में दोनों चीज़ें होती हैं, सैक्रोमाइकोइड्स में बच्चों, लाइफ साइकिल हैपलोबायोटिक होती है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरम में, साइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरम में, डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होती है सैक्रोमाइकोइड्स लुडविगी में, हैपलोडिप्लोएंटिक होती है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी में, जब दो एडजॉइनिंग सिस्टर सेल के बीच कॉपुलेशन तो एडल्फोगेमी कहते हैं, जब मदर सेल और डॉटर सेल में फ्यूजन हो जाए तो पीटोगेमी कहते हैं, जब एस्कस फॉर्म हो विदाउट कॉपुलेशन तो पार्थेनोगेमी कहते हैं, फ्यूजन बिटवीन अनरिलेटेड सेल हो तो स्यूडोगेमी कहते हैं, पेंसिलियम पढ़ लो बेटा, ब्लू मोड या ग्रीन मोड कहते हैं, सेप्रोफिटिक फंगस है, बाकी सब कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादा जरूरत, क्रूजियर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, अब उसकी लाइफ साइकिल बना करके नहीं बतानी है, बस ध्यान रखना है, एगेरिकस एस्बेसिडियोमाइसिटीज में है, फेयरी रिंग बनाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों माइसिलियम होते हैं, सेक्स ऑर्गन और गैमेट दोनों एब्सेंट हैं, पॉक्सिनिया लाइफ साइकिल में हेट्रोसियस है, दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट वीट है, सेकेंडरी होस्ट बार्ले है, लाइफ साइकिल माइक्रोसाइक्लिक है, 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं बच्चों, यूरिडोस्पोर 2 न्यूक्लियस वाले, टेलेटोस्पोर 2 न्यूक्लियस और प्रत्येक सेल्स 2 बाईसेल्ड है और प्रत्येक सेल 2 न्यूक्लियस वाले, बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लिएटेड,
पिकनियो स्पोर्स यूनिन्यूक्लेटेड, एसीओ स्पोर फिर से बाइन्यूक्लेटेड। केसी मेहता ने वी ट्रस्ट इन इंडिया में के प्लेन में रिओकरेंस को स्टडी किया था, याद रखना बेटा। अस्थिल एगो कवर्ड स्पट थिक बॉडी स्पोर्ट्स रेस्टिंग स्पोर दो प्रकार के लूज अनकवर्ड आप पीछे डिजीज बताई जा चुकी हैं, मुझे लगता है यहीं पर फ्रांस फिनिश है ये। तो ये सब चीज़ें छोटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, मुझे लगता है कि। और अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो बिल्कुल बताइएगा। अब लाइफ साइकिल है पक्सिनिया की, बड़ी डिटेल में उन्होंने क्लास में बताई है, हल्की फुल्की थोड़ी बताई है। मुझे लगता है जिस दिन पक्सिनिया बताया पूरी लाइफ साइकिल, पक्सिनिया का ही दिन रहा होगा उस दिन, है ना। तो पक्सिनिया बिलोंग किसको करता है, कौन सी क्लास है उसकी, कैसी हाइफी है, कैसा माइसीडियम है, कहाँ ग्रो करता है, फेयरिंग कैसे बनती है, बेसिडियो स्पोर कैसे जनरेट होते हैं, प्राइमरी हाइफी होती है, मोनोकैरियोटिक होती है, दोनों में सोमेटोगैमी होती है तो डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, क्लैंप कनेक्शन होता है, फिर फ्लोटिंग बॉडी बनती है, धरती से ऊपर निकल के फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियो कार्बो बनाती, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स में दो तरह की हाइफी हैं जो फर्टाइल नहीं होती, उसे पैराफाइसिस कहते हैं, फर्टाइल होती हैं, बेसिडियम होते हैं, में कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होती है, फिर चार स्पोर्स बनते हैं, चारों एक्सोजीनस होते हैं, इन स्पोर को बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मियोस्पोर्स होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, एप्लानो स्पोर्स होते हैं, सब चीज़ें बताई हैं वहाँ पर, हर पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर किया है। तो बस अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि जो किताब में लिखा है उसको रीड करना है, अब देखो कितना बेहतर आप कर पाते हो, कितना आप समझ पाते हो, ये देखना है कि आप अगर इसे लाइक करते हो तो संख्या आपकी रहेगी, नहीं लाइक करते हो तो कोई बात नहीं है। मैं हालांकि इस पैटर्न को पूरा ले जाऊंगा, आज 10वां चैप्टर या 11वां 12वां चैप्टर हो गया है फंजाई का, मैं कोशिश यही करूंगा कि जल्दी से इसे फिनिश कर दूँ, जितना भी लिखा है एमपी कौशिक के नोट्स में वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ, या मेरे नोट्स में जितना बना हुआ जो छूट गया है वो मैं प्रिपेयर तो फिलहाल नहीं करूँगा, ये मैं पूरी चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से एक सीरीज़ हमारी एमपी कौशिक की पूरी बन जाएगी, आपके पास तक आ जाएगी, शॉर्ट पॉइंट्स बन जाएंगे, उसे याद कर लीजिए। डिटेल में जाना है तो हमारे पिछले जो भी मेरे वीडियोज़ उनको देख करके आप पढ़ लीजिए, पर्टिकुलर जो चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने जैसे अभी फिर से पक्सिनिया को उसके एग्रिकस के लाइफ साइकिल में बता दिया, ऐसे ही ऐसे पक्सिनिया को बता दें, ठीक है। दो चीज़ें हैं, मैं उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट को मैं मिस बिल्कुल नहीं करूँगा, ट्रिपल पॉइंट को जल्द ही लेकर हाजिर हो जाऊँगा, दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये सीरीज अलग होगी एम पी कौशिक, वो सीरीज अलग होगी, दो चार दिन इधर बिता लें फिर वो काम शुरू होगा तो कुछ ही बता देंगे। तो मुझे कुछ भी ट्रिपल पॉइंट मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा था, कहीं गड़बड़ी बिल्कुल नहीं थी इन, क्योंकि एक सीख एक ही चीज़ को बार बार लगातार करने से कहीं ना कहीं मेरे मन में थकान आ गई थी उसको करने से, और जब थक जाए आदमी मानसिक रूप से तो समझो बेकार हो जाता है। तो मैंने अब समझ लो ये जो हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, जिन लैपटॉप पर जो टू इन वन वाला होता है क्या होता है उसको मंगाया मैंने कुछ इसी पर्पज से, क्यों बैठ कर पढ़ाऊँगा, बैठ कर दो दिन पढ़ाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा खड़े ही रहना ठीक है, मैं अब लैपटॉप पर पढ़ा लूँ मैं खड़ा हूँ, क्यों बैठने की आदत नहीं है, पढ़ाते समय बैठते नहीं बहुत दिनों से, कभी ट्यूशन पढ़ाए नहीं कि बैठ कर सोफे में बच्चे को पढ़ा रहे, सो दैट खड़े होकर पढ़ाने की आदत है, वो कैसे गुजर जाएगी कैसे चली जाएगी। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें हैं, जो भी होगा बेहतर करेंगे आपके लिए, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पर बहुत जल्दी आऊँगा, बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रिपल पॉइंट और जेनेटिक्स ट्रिपल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अवेटेड हैं आपके लिए, बहुत जल्दी कम्प्लीट करूँगा, एक महीने के अंदर सब कुछ निपटा दूँगा बेटा, एक महीने के अंदर बस, आप समझिए अगस्त और सितंबर, सितंबर का समय दीजिए, पूरी आपके ट्रिपल पॉइंट वाले सारे पॉइंट PYQ थ्योरी और MCQ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल करा देंगे, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी मेरी तरफ से। फिर ट्रिपल पॉइंट वाले पॉइंट्स हैं वो आपके पास जब होंगे इकट्ठा एक जगह पर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।